हाय, मैं हूँ बैंक बंधु। तो बहुत सी एस पी लोग मुझे ये वीडियो बनाने के लिए डिमांड किया था, इसलिए वीडियो बनाया मैंने। जिसके पास पी एल क्यू का किसी भी मॉडल प्रिंटर है, करेंट सेटिंग कोई निकल नहीं पा रहा है, तो इसीलिए मैं करेंट सेटिंग का एक वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको करेंट सेटिंग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम F1 F2 बटन को दबा के रखना है। उसके बाद आपको पावर बटन को ऑन करना है। ऑन करने के बाद हेड का मूवमेंट चलेगा। उसके बाद आपको जब हेड का मूवमेंट बंद हो जाएगा ना, तब आपको इस दोनों बटन को छोड़ देना है। अब क्या करना है, छोड़ना है। इसके बाद आपको एक A4 पेज को आपके प्रिंटर में इंसर्ट करना है। तो करने के बाद देखिए, पेज को खींच लिया प्रिंटर ने, तो अब देखिए क्या आ रहा है। तो अभी क्या आया है यहाँ पे, ये बता रहा है आपका जो प्रिंटर है इंग्लिश फॉन्ट है उसमें, और आप अगर चेंज करना चाहेंगे तो F1 दबाना है, और नहीं करना है तो F2 करना है। तो मुझे करेंट सेटिंग निकालने के लिए F2 दबाना है। तो देखिए अब आया है प्रिंटर का करेंट सेटिंग, आपको चाहिए तो F2 और नहीं चाहिए तो F1। तो मुझे करेंट सेटिंग के बता रहा हूँ मैं अभी, तो F2 दबाएंगे। ये पूरा पेज को बाहर कर देगा, करने के बाद पूरा पेज प्रिंट होगा। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको टाइम देना है उसमें। टाइम देंगे तो पूरा पेज प्रिंट होके आपका निकल जाएगा। तो मेरा प्रिंटर अभी ऑफलाइन मोड में किया हुआ है, तो प्रिंट जब करेंट सेटिंग निकल जाएगा तब आपको दिखा देंगे प्रिंटर का करेंट सेटिंग क्या है। आपका में भी किया है, मैं आप अगर हम मुझे व्हाट्सअप करके भेज देंगे तो मैं आपको बता दूंगा कौन सा अभी करेंट सेटिंग क्या है, ऑनलाइन मोड है या ऑफलाइन मोड है। तो आप लोग अगर अपने प्रिंटर को ऑफलाइन मोड करेंगे तो आप फर्स्ट पेज अपने CSP में पिन करके कस्टमर का काम चलाने के लिए दे सकते हो, लेकिन फर्स्ट टाइम पेज तो बैंक से ही प्रिंट कराना पड़ेगा। लेकिन आप मतलब ऐसे काम चलाने के लिए प्रिंट करके दे सकते हो, ज़रूरत को जब किसी कस्टमर को ज़रूरत पड़ता है ना, तब ये एक चीज़ कर सकते हो आप। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको पूरा करेंट सेटिंग मेरा प्रिंटर का आ जाएगा। तो आपके पास जो भी प्रिंटर है, सब प्रिंटर में यही प्रोसेस फॉलो किया जाता है। फॉलो आप करेंगे तो आपको करेंट सेटिंग आपको अपने प्रिंटर का मिल जाएगा। करेंट सेटिंग मिलने के बाद आपको प्रोसेस बताया जाएगा इस दूसरे वीडियो में, जो किस तरह से मोड को चेंज किया जाता है। कुछ नहीं चेंज करना है, सिर्फ एक ही चीज़ को चेंज किया जाता है। देखिए अभी मेरा प्रिंटर का करेंट सेटिंग मेरे पास आ गया, तो मैं दिखाता हूँ क्या चीज़ को चेंज करना है, मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ। ये जो देखिए सॉफ्टवेयर सेटिंग, सॉफ्टवेयर सेटिंग सीधा साधा आएंगे तो PR2। तो जिन लोगों ने अपडेट करते हो मतलब कियोक से, तो PR2 के नीचे सिलेक्शन होगा, लेकिन मेरा देखिए ESC/P2 में अभी सिलेक्शन है मेरा। तो इसके मतलब मेरा अभी ऑफलाइन मोड में है, मैं फर्स्ट पेज पिन कर सकता हूँ इसमें। फर्स्ट पेज क्या मतलब, मेरे लैपटॉप से या कंप्यूटर से कोई भी पिन मैंने PLQ20 में पिन देंगे तो पिन होके निकल जाएगा। तो वो भी मैं दिखाऊंगा इस दूसरे वीडियो में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बैंक के रिलेटेड इसी तरह का वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो यहीं पर मैं वीडियो को एंड करता हूँ।